हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बड़ी अपडेट्स के बारे में, जहां मैं कवर करूंगा कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स को, जिसमें मैं कवर करूंगा सीएम पंक यूएफसी अर्निंग, जेम्स एल्सवर्थ रिटर्न, एडी गुरेरो टूर्नामेंट और स्मैकडाउन लाइव मैचेस। तो इन्हीं अपडेट्स को डिटेल में कवर करूंगा आज की इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। फर्स्ट अपडेट जुड़ी है आने वाली स्मैकडाउन लाइव एपिसोड से, जो कि मनी इन द बैंक से पहले आखिरी स्मैकडाउन होगी। इस एपिसोड के लिए WWE ने दो बड़े मैचेस अनाउंस कर दिए हैं, जिसमें से पहला डेनियल ब्रायन वर्सेज शेल्टन बेंजामिन के बीच होगा। वहीं दूसरा बड़ा मैच US चैंपियनशिप के लिए जेफ हार्डी वर्सेज शिंसुके नाकामुरा के बीच होता दिखेगा। वैसे मेरा मानना है कि इन मैचेस को कराने का मतलब साफ है कि स्मैकडाउन मनी इन द बैंक से पहले आखिरी एपिसोड में टाइम पास करना चाहता है। ऐसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे बेटर रहता कि मनी इन द बैंक में होने वाले इनके मैचेस के अपोनेंट के बीच अगर इस एपिसोड में कुछ दिखाया जाता। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है एडी गुरेरो से। जी हां, अभी हाल ही में एडी गुरेरो की वाइफ विक्की गुरेरो ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने इच्छा जताई है कि WWE आने वाले टाइम में WWE में एडी गुरेरो के नाम पर एक टूर्नामेंट कराए। जैसा कि हम WWE में देखते हैं कि WWE अपने एक्स सुपरस्टार को ट्रिब्यूट देने के लिए एक तरह से उनके नाम से टूर्नामेंट कराता है, याद करता है, जैसे कि आंद्रे द जायंट, मे यंग क्लासिक और भी उसी तर्ज पर। विक्की गुरेरो चाहती है कि एडी गुरेरो के नाम पर भी इस तरह का कोई टूर्नामेंट होना चाहिए। अब देखना होगा कि हमें आगे ऐसा देखने को मिलता भी है या नहीं, और विक्की गुरेरो की कही हुई बात पर WWE कितना ध्यान देती है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है मनी इन द बैंक 2018 रिटर्न से। जैसा कि हमने लास्ट ईयर मनी इन द बैंक में देखा था कि कार्मेला के साथ रहने वाले फ्रेंड जेम्स एल्सवर्थ ने किस तरह से फर्स्ट वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच में दखल देके कार्मेला को जितवा दिया था। बात करूं जेम्स एल्सवर्थ की, तो उन्हें कुछ दिन पहले WWE से रिलीज कर दिया था, बट अब कुछ ऐसी अपडेट आ रही है कि मनी इन द बैंक में हमें जेम्स एल्सवर्थ की वापसी होते दिख सकती है। और बताया ये भी जा रहा है कि जेम्स एल्सवर्थ वापसी करके कार्मेला की हेल्प कर सकते हैं और उनके इंटरफेरेंस से कार्मेला अपना टाइटल बचा सकती हैं। खैर, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह से कार्मेला ने जेम्स एल्सवर्थ से अपने आप को अलग करा था, तो कहीं ऐसा ना हो कि इसका उल्टा होता हमें दिख जाए मनी इन द बैंक में। खैर, ये एक र्यूमर्स अपडेट है, देखना होगा कि ये सच होती भी है या नहीं। लास्ट और बड़ी अपडेट जुड़ी है पूर्व WWE सुपरस्टार सीएम पंक से। जैसा कि हमने अभी हाल ही में देखा था कि UFC में सीएम पंक अपनी फाइट हार गए हैं। ये UFC में उनकी लगातार दूसरी हार थी। अगर मैं आपसे कहूं कि हारने के बाद भी सीएम पंक की कमाई उनको हराने वाले से 20 गुना ज्यादा थी, तो आप थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे। बट जी हां, ये सही है। मैं आपको बता दूं कि UFC की एक फाइट के लिए सीएम पंक को उनके होम टाउन में हुई फाइट के करीब 3.5 करोड़ रुपए मिले हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सीएम पंक को फाइट हारने के बाद करीब $5,03,500 मिले हैं, जिसमें से $5,00,000 फाइट के लिए आने और 3,500 रुपए इंसेंटिव के तौर पर दिए गए हैं। वहीं सीएम पंक को हराने वाले माइक जैक्स को बहुत ही कम पैसे मिले हैं। उन्होंने फाइट के लिए सिर्फ $23,500 चार्ज करे, जो कि करीब 16 लाख रुपए होते हैं, जिसमें से $10,000 मैच फीस, $10,000 जीत का बोनस और $3,500 इंसेंटिव मिला है। ये डिफरेंस अपने आप में एक चौंकाने वाला है। मतलब साफ है कि सीएम पंक UFC में वो कारनामा नहीं कर पा रहे हैं, बट कमाई में वो हारकर भी कारनामा कर रहे हैं UFC में। इतनी बड़ी कमाई का रीजन साफ साफ ये है कि सीएम पंक के होम टाउन में फाइट होने की वजह से उनके नाम पर इस इवेंट की टिकट अच्छी खासी बिकी थी। तो फ्रेंड, ये थी WWE की कुछ बड़ी अपडेट्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।